बिहार में पंचायती राज विभाग के नए फरमान से पंचायत प्रतिनिधियों में नाराजगी है। त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधियों ने इस फैसले को सरकार से वापस लेने की मांग की है। जिला परिषद के चेयरमैन प्रतिनिधि गुलाम सरवर ने कहा कि हम सभी सरकार के इस फैसले का विरोध करते हैं। यह निराशाजनक फैसला है। पंचायती राज का टेंडर के माध्यम से काम हुआ है, चाहे वह जलनल योजना हो या स्ट्रीट लाइट हो, उसे एक बार देख लिया जाए। सरकार ने अब फरमान जारी किया है कि टेंडर के माध्यम से इसका काम होगा। पंचायती राज के नेतृत्व में विभागीय जो काम हुआ है उनमें तथा प्रतिनिधियों द्वारा कराए गए कार्यों की गुणवत्ता में जमीन आसमान का फर्क है। मुखिया संघ के अध्यक्ष शमशाद आलम ने कहा कि हम सभी त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि सरकार के इस फैसले के खिलाफ हैं। जो फैसला सरकार ने लिया है वो कहीं से भी प्रतिनिधियों के हक में नहीं है। सरकार अगर यह फैसला वापस नहीं लेती है तो सभी प्रतिनिधि सामूहिक रूप से इस्तीफा देंगे और विरोध प्रदर्शन करेंगे। विभाग की तरफ से जो आदेश आया है कि टेंडर प्रक्रिया में तमाम योजनाओं का काम जो त्रिस्तरीय पंचायत का है वो जा रहा है, तो इन मामलों में आप लोगों से क्या पहल होगी? सबसे पहले जो कैबिनेट में जो कल जो फैसला लिया गया है कि पंचायती राज का जो भी 15 लाख से नीचे का भी जो काम हो वो विभागीय नहीं होगी, अब टेंडर होगा, तो इस फैसले का हम लोग विरोध करते हैं। ये बहुत ही निराशाजनक फैसला है सरकार का, उसको जल्द से जल्द इस फैसले को वापस लेना चाहिए। उसकी वजह यह है कि वो जिस चीज़ को आधार बना के इस कानून को ला रहे हैं कि कहीं ना कहीं काम में शिकायतें मिल रही हैं, अनियमितता मिल रहा है, तो हमको पहले ये बताएं कि जो काम टेंडर से हो रहा है पहले उस काम का क्या पोजीशन है, इसकी सर्वे करा लें माननीय मुख्यमंत्री जी। जितना काम पंचायती राज का टेंडर के ज़रिए से हुआ है, चाहे वो जल नल योजना हो, स्ट्रीट लाइट हो, या और जो दूसरा काम भी हुआ है स्वच्छता में हुआ है, एक एक काम को अगर देखा जाए तो ग्राम पंचायत स्तर से या पंचायती राज प्रतिनिधि के नेतृत्व में विभागीय जो कार्य होता है दोनों के गुणवत्ता में जमीन आसमान का फर्क है। आज स्वच्छता में 50 रुपये का बाल्टीन 500 रुपये में खरीदा जा रहा है, जो ठेला है एक भी कहीं पे कोई काम तो हो नहीं रहा है। अब स्ट्रीट लाइट का देख लीजिए, 10% भी लाइट नहीं चल रहा है और किस गुणवत्ता का सामान लगाया गया है। आज जल जो 7 हिस्से का जो नल जल योजना है पूरी तरह से फेल है। तो फिर ऐसे परिस्थिति में जबकि जो काम हो रहा है पूर्व से टेंडर से हो रहा है उसको सुधारने के बजाय, उसमें गुणवत्ता लाने के बजाय आप जो काम बेहतर हो रहा है उसको डिस्टर्ब करने के लिए आप ऐसे समय में इस तरह का फैसला लाएं। आप जिला परिषद में लीजिए, सारी राशि बची हुई है यहाँ पे, ये पदाधिकारी का निरंकुशता है, ये अफसरशाही है कि कोई काम होने नहीं देता है, और सरकार का मनसा ही नहीं है कि पंचायती राज सिस्टम से देश का खास करके राज्य का भला हो और काम हो, उसका मनसा ही नहीं है, काम को डिस्टर्ब करना है। अभी हमारे यहाँ जिला परिषद से कुछ काम टेंडर हुआ सिस्टम में और 15 में, मामला यह है कि आप ठीक है टेंडर के आपने कहा, आपने चिट्ठी दिया और हम लोगों ने टेंडर करवा दिया, लेकिन उसका 12 महीना 15 महीना से भुगतान नहीं हो रहा है। और जब पूछा जाता है तो कहता है कि भाई यहाँ पोर्टल से भुगतान होता है, पोर्टल पे केवल लेबर पेमेंट और वाउचर पेमेंट होता है, और किसी भी टेंडर में टेंडर का प्रॉफिट का मामला रहता है उसमें 10 से 15%, उस राशि को भुगतान करने का कोई सिस्टम नहीं बनाया गया है, जिसके वजह से लोग कोर्ट जा रहे हैं भुगतान को लेके। तो ये सारी दिक्कतें तो है, और ऐसे समय में ये सब चीज़ों को सुधारने के बजाय एक ऐसा मतलब कि कहीं कानून बना के फिर डिस्टर्ब करने का जो प्रयास किया जा रहा है, हम लोग इसका घोर विरोध करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि अभी ऐसा कोई फैसला नहीं लीजिए, नहीं तो जो भी काम हो रहा है वो आपका डिस्टर्ब। देखिए पंचायती राज, त्रिस्तरीय पंचायती राज जो अपने आप में एक बहुत मजबूत चीज़ थी, इसको ये कायदे से माननीय मुख्यमंत्री सिस्टम बाय सिस्टम इसको फलफ करने के चक्कर में लगे हुए हैं। पता नहीं इनको क्या दिक्कत है पंचायती राज, जिससे अब तमाम तर निचले स्तर के गांव मतलब वार्ड स्तर तक अगर कोई जनप्रतिनिधि पहुँचता है वो त्रिस्तरीय पंचायती राज के प्रतिनिधि गांव तक के विकास के लिए काम करता था। अभी सबसे बड़ा अगर देखेंगे पंचायती राज में जो टेंडर कराया गया, सबसे बड़ा अगर कोई घोटाला के रूप में है तो वो नल जल योजना है।
ये 7 निश्चय में इनको लिया गया था। 7 निश्चय के तहत ये योजना आई और सरकार का कहना था कि पंचायत के जनप्रतिनिधि सही से काम नहीं करते हैं, तो इसको टेंडर में दे दिया गया। और क्या हुआ कि आज तक का सबसे ज़्यादा राशि अगर कभी ग्राम पंचायत को मिला तो वो मिला नल जल के माध्यम से, और उसका टेंडर हुआ। और टेंडर जो हुआ है आज जाके देख लीजिए, एक एक वार्ड में 60 से 70 लाख रुपए का लागत है और 10 नल जल का 10 भी नल में पानी नहीं आ रहा है। इसी तरह से इसके बाद फिर इन लोगों ने शुरू किया ब्रेडा लाइट लाके, 7 निश्चय के तहत इसको भी लाया गया और अभी एक एक पंचायत में 50 लाख 55 लाख रुपए की राशि ये ब्रेडा लाइट में जा रहा है। और लाइट जो लगाया गया तो 10% लाइट भी नहीं जल रहा है, और तमाम तर बुराई पंचायतों का हो रहा है कि मुखिया जी पैसा खा गए, काम नहीं हो रहा है। लेकिन ये ऊपर से ही इनका सेटिंग है और वो टेंडर है और लाइट लगाया गया है, लाइट सक्सेस नहीं है। 2 योजना का अब तक हम लोगों ने देखा कि ग्राम पंचायत की राशि को 2 को 2 मद में टेंडर किया गया, दोनों फ्लॉप है। अब जो हम लोग नली गली का काम करते थे गांव में, बहुत सारा योजना था जो काम था जो कि ग्राम पंचायत स्तर से होता था और हम लोग ग्राम सभा करके उस योजना को अंजाम देते थे। जिस तरह गली बन जाना है, नाली बनना है, कहीं 100 फीट है, कहीं 50 फीट है, कहीं 200 फीट है, इस तरह का काम था। अब इस काम को भी बाधा पहुँचाने के लिए फिर से दोबारा ये टेंडर का सिस्टम निकाला जा रहा है। तो बताया जाए कि ये आखिर ये ग्राम पंचायत क्या करेगा, तो इससे बेहतर है कि ये वार्ड सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, तो इस ये प्रथा को ही हटा दिया जाए सिस्टम से, जब इसको इतना दिक्कत है। वरना था आपके चैनल के माध्यम से हम लोग माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को कहेंगे कि आप जो ये फैसला लिए हैं, ये कहीं से भी ये फैसला सही नहीं है और पंचायत के विकास, गांव के विकास के ये हित में नहीं है, ये इनके सीधे विपरीत है। खास करके तमाम वार्ड सदस्य को पिछले बार 7 निश्चय के तहत वार्ड में काम मिला था और वार्ड का एक एक गली बना था जो कि आज तक नहीं बना, सारी गली बनी थी। और एक बार इस 7 निश्चय 2 पार्ट 2 जो लागू किया जा रहा जाना था, अगर पार्ट 2 लागू हो जाता तो ग्राम पंचायत स्तर पर तमाम काम खत्म हो जाता, सारा विकास का काम पूर्ण हो जाता। लेकिन पता नहीं किसका नज़र लग गया गांव में, गांव के विकास के लिए, वार्ड के विकास के लिए, कि आखिर क्या दिक्कत है। अब एक वार्ड सदस्य चुनाव जीत गया या उसका अपना एक अधिकार है, ग्राम पंचायत के मुखिया है उनका एक अपना अधिकार है, पंचायत समिति सदस्य है उनका एक अधिकार है, जिला परिषद है उनका एक अधिकार है, इसी तरह से जिला प्रमुख है, जिला परिषद चेयरमैन है। ये पूरा सिस्टम को फॉलोअप करने के चक्कर में लगे हुए हैं, इसलिए हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से कहेंगे कि आप इनको तुरंत इस पर रोक लगाएं और ग्राम त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि को सम्मान दें, अन्यथा फिर हम लोग पंचायत से लेके वार्ड से लेके पटना तक सारा सिस्टम को हम लोग रोकेंगे और इसके खिलाफ लड़ेंगे जब तक कि ये हासिल नहीं हो। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर पूरे बिहार के तमाम जनप्रतिनिधि एक साथ हम लोग इस्तीफा सौंपेंगे। क्या परिचय हुआ? मोहम्मद शमशाद आलम, मुखिया ग्राम पंचायत टोली, मुखिया संघ जिलाध्यक्ष पूर्णिया।